गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। लॉकडाउन टाइम कैसा चल रहा है सबका? आई रियली होप कि सारे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बच्चों के साथ गेम्स खेल के, अच्छी अच्छी उनके लिए कुकिंग में कुछ चीज़ें बना के। आई रियली होप कि एवरीबॉडी इज़ यूटिलाइजिंग देयर टाइम। मैं अपना ये टाइम कैसे यूटिलाइज कर रही हूँ, मैं वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैं कुछ थोड़ा बहुत एम्ब्रॉयडरीज कर रही हूँ, कुछ डिफरेंट आइडियाज देख रही हूँ, यूट्यूब पे मैं स्टडी कर रही हूँ, और आज मैं जो आपके लिए एक स्पेशल आइडियाज लेके आई हूँ, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, सबको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने क्या किया, अपनी जो पुरानी मेरी साड़ीज थी, बहुत पुरानी, उनको देखा, और एक जो मेरी बहुत ही टाइमलेस क्लासिक साड़ी है जो मैं अभी मैंने पहनी हुई है, वो ये वाली साड़ी मैंने ये निकाली, और इसको मैंने आई थिंक 8 to 10 वेज में स्टाइल किया। और फ्रेंड्स, मैं आपके साथ यही शेयर करने आई हूँ, और ये साड़ी मेरी 26 इयर्स पुरानी साड़ी है, और इस साड़ी के साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फेवरेट साड़ी है, मैंने अभी तक इसको बड़ी हिफाजत से रखा हुआ है, और यू कैन सी दैट देयर इज अ लाइट स्पॉट हियर, बट इवन देन आई लाइक इट वेरी मच। एक्चुअली ये साड़ी मैंने अपनी शादी के बाद, शादी के 2.5 ईयर्स के बाद जब मेरी फर्स्ट किट्टी निकली, तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये वाली साड़ी लेके दी उस किट्टी के अमाउंट में से। हमें तब इतनी समझ नहीं होती थी क्या चीज़ें बाई करनी है, कैसे लेनी है, तो हमारे मम्मा हमें लेके जाते थे, हम वहाँ शॉपिंग करते थे। ये प्रकाश की हट्टी एक चौड़ा बाजार में शॉप है, हमने ये वहाँ से साड़ी खरीदी थी। इनफैक्ट आई वॉन्ट 2 साड़ीज देन, एक ये है एक और है, और इसी साड़ी की मैंने डिफरेंट स्टाइल के साथ स्टाइलिंग करी है। सबसे पहले स्टाइल है ये वाला, जिसके साथ मैंने ब्लैक कॉलर नेक और हॉल्टर नेक वाला ब्लाउज पहना है, और यू कैन सी कि इसकी लुक बिल्कुल मॉडर्न है, बिल्कुल नहीं लग रहा कि इतनी पुरानी है। आई होप आपको भी पसंद आई है। और ये वाला मैंने स्टाइल सबसे पहला ये वाला, ये भी बहुत अच्छा स्टाइल है। ये मैंने लॉन्ग केप स्ट्रेट केप के साथ पहना है साड़ी को, और आप इसकी काउल को थोड़ा हाई में भी एडजस्ट कर सकते हो, कि बहुत स्मार्ट लुक देता है। और इसकी केप की एक और खासियत है कि इसकी पॉकेट्स हैं, आप देखो कितने कॉन्फिडेंट, कितने स्ट्रॉन्ग आप फील करते हो इस ड्रेस में, और वेरी कंफर्टेबल। आप इसको इसका ये हुक बंद करके भी पहन सकते हो। फ्रेंड्स, ये लिनन ब्लेजर के साथ भी बहुत ही स्मार्ट लुक आती है साड़ी की। आप देख सकते हो कि ये जो इसका पल्लू है, ये ऐसे लुक दे रहा है जैसे मैंने इसके साथ मल्टी कलर का स्कार्फ पहना हुआ है। इसी साड़ी के साथ मैंने ये शॉर्ट ब्लेजर पहना है। ये वाला जो स्टाइल है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। एक्चुअली इसको मैंने पहना है विद रैपरम केप के साथ, साड़ी की बिल्कुल ही लुक चेंज होगी इस केप के साथ, आप देख सकते हो, और इसका फिट, इसकी लुक बहुत ही स्मार्ट है। एक्चुअली ये फैब्रिक भी जॉर्जेट में है, हैवी जॉर्जेट में ये केप बना हुआ है, और साड़ी में लुक ऐसी आ रही है कि जैसे मैंने ऐसे उसका स्कार्फ पहना है। अब मैंने एक स्टाइल ये बनाया है कि इसी साड़ी में से एक कलर उठा के, जैसे रेड कलर इसमें है, उसका ब्लाउज पहना है बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज के साथ, इसमें भी बिल्कुल न्यू लुक साड़ी ये दे रही है। इसी साड़ी को एक न्यू लुक दी गई है इस टॉप के साथ। ये मेरा ब्लैक टॉप है, द बेस्ट, माई फेवरेट टॉप, और इसका सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये फर लगती है, इसकी स्लीव्स पे फर है, और ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक में टॉप है। आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ये शियर है यहाँ से, और इसकी नेकलाइन भी बड़ी स्मार्ट है, और दिस इज गिविंग अ न्यू लुक टू द साड़ी। अब इसी साड़ी को मैंने और एक न्यू लुक दी है विद दिस ग्रीन ब्लाउज, बिकॉज एज यू सी द पल्लू हैज सो मेनी कलर्स, तो ये मुझे बेनिफिट हो गया है कि इसी साड़ी के साथ मैं डिफरेंट कलर्स के ब्लाउज पहन सकती हूँ, जैसे अभी रेड पहना है, ब्लैक पहना है, अभी मैं ग्रीन पहन रही हूँ, और इसी के साथ ये ब्लू जो है बीच में कलर, ये भी बहुत अच्छा इसके साथ लगेगा। और इसको मैंने कोऑर्डिनेट किया है विद सिल्वर ज्वेलरी। सिल्वर ज्वेलरी की मेरी आगे एक फुल वीडियो आने वाली है, उसमें आपको मैं डिफरेंट सिल्वर ज्वेलरी के साथ स्टाइलिंग बताऊंगी। सो दिस इज द न्यू लुक। एक ये दूसरा स्टाइल है जिसके साथ मैंने उसी वो ब्लाउज यूज करके कॉलर वाला, उसके ऊपर वुलन ब्लाउज मैंने पहना है। ये वुलन ब्लाउज भी मेरा बहुत पुराना ब्लाउज है, अराउंड 20 to 25 ईयर्स पुराना ब्लाउज है। ये मैंने मोंटी कार्लो से लिया था। दिस इज अ वेरी स्मार्ट ब्लाउज विद ब्रॉड वी नेक,
और इसकी फिट बहुत स्मार्ट आती है, ये मैंने संभाल के रखा हुआ है। जब भी विंटर्स में मैंने साड़ी पहनी होती है आई यूजुअली वेयर दिस ब्लाउज। दिस इज अनदर स्टाइल, ये शॉर्ट जैकेट के साथ मैंने इसको स्टाइल किया साड़ी को। ये जैकेट मैंने ग्लोबल से आज से 3 या 4 साल पहले ली थी। इस जैकेट के साथ मैं बहुत स्टाइलिंग करती हूँ, बट इस साड़ी के साथ ये बहुत ही सुंदर और बड़ी कैजुअल सी लुक दे रही है और बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली साड़ी अपने आप में बहुत ही कंफर्ट दे रही है।